चॉकलेट खाओगे? क्या दिमाग में आया? डेयरी मिल्क? मेरे दिमाग में भी डेयरी मिल्क आया। देश पांडे जी, उनके दिमाग में भी यही आया था, डेयरी मिल्क। कोविड का टाइम था, 4 साल हो गए थे। बॉम्बे सेविंग कंपनी कुछ खास बढ़िया कर नहीं रहा था। कुछ लोगों का कहना था कंपनी बहुत एक्सपेंसिव है, कस्टमर रिपीट रेट कुछ था ही नहीं। बट ऐसे ही एक बोर्ड मीटिंग में दिनेश पांडे को किसी ने चॉकलेट ऑफर किया, तो उनके समझ में आया चॉकलेट का मतलब डेयरी मिल्क, नूडल्स का मतलब मैगी और एनर्जी ड्रिंक का मतलब रेड बुल, और बॉम्बे सेविंग कंपनी का मतलब कंफ्यूजन। उस वक्त ये कंपनी 60 से ऊपर प्रोडक्ट बेच रही थी। आगे जा करके सिर्फ मेल सेविंग क्रीम पर ना फोकस करके अपनी कैटेगरी बनाई, हेयर रिमूवल फॉर ऑल जेंडर। हर प्राइस सेगमेंट में उन्होंने अपना प्रोडक्ट निकाला, वुमेन हेयर रिमूवल में एंट्री ली, और इस क्लैरिटी ने 2001 में 37 करोड़ और 2002 में 110 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया। और बात करें 2003 की, तो इस साल उनका रन रेट है 300 करोड़। तो बॉस, अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो अपना कैटेगरी रखना एकदम क्लियर। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, कमेंट में अपना फीडबैक दें, इस वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, लाइक करें वीडियोस को ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले और मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू।